हिमाचल में हो रही बारिश से किन्नौर जिला को शिमला से जोड़ने वाला NH 5 रामपुर से आगे झाखड़ी के पास फिर से अवरुद्ध हो गया है। इससे किन्नौर जिले का शिमला से पूरी तरह संपर्क कट चुका है। बरौनी खड्ड के पास NH का हिस्सा नदी में निरंतर टूट रहा है। NH के बंद होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर बड़ी बड़ी चट्टाने आ गई हैं, लोग बुरी तरह फंस गए हैं। लोगों का कहना है कि क्रेशर लगाए गए हैं जिसकी वजह से NH पर लैंडस्लाइड हो रहा है, गैस की गाड़ियां फंस गई हैं। उज्जवल हिमाचल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट शिमला। नमस्कार, मैं स्वास सेवी पवन नेगी। जो नेशनल हाईवे की परिस्थिति आपके सामने है, जहाँ जहाँ भी ये क्रेशर लगे हैं, इन क्रेशरों की वजह से कुछ अपनी गाड़ी कमाई करने के चक्कर में इस रोड की ये परिस्थिति हो रही है जो कि आप देख रहे हो। यहाँ पर अभी पैदल चलने के लिए भी दिक्कत आ रही है, जो कि ऊपर से अभी चट्टाने गिरने के लिए और तैयार है। ये इस तरीके का जो क्रेशर का काम चला हुआ है, ये रोड से थोड़ा दूर किया जाए। ये प्रशासन से गुहार है कि इसको दूर किया जाए क्रेशरों को, और ताकि आगे से इस तरीके की समस्या ना आए पब्लिक को। क्योंकि आपने देखा कि काफ़ी सारे हमारे ट्रक वाले भाई जो है बेचारे बगैर रोटी पानी के रोडों पे धक्के खा रहे हैं, और इनको आवाजाही में परेशानी आ रही है। हम बद्दी से गैस लेके राम जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, 3 दिन हो गए चले हुए। हाँ, जगह जगह रोड ब्लॉक हुए हैं जी। तो अभी रोड बंद है? अभी रोड ब्लॉक है जी, आगे झाखड़ी भी ब्लॉक है, पीछे से भी ब्लॉक हो गए रोड सारे। तो आपको दिक्कत आ रही है क्या? दिक्कत बहुत ज़्यादा, भूखे प्यासे बैठे हैं जी यहाँ पे, कोई होटल नहीं इधर आसपास में। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय न्यू कृष्णा एम्पोरियम, कॉलेज रोड, कांगड़ा।